अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अजीज। क्या हाल चाल है दोस्तों? किसी भी वीडियो का कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही वो चीज होती है जो व्यूवर को अट्रैक्ट करती है, आपके व्यूज बढ़ाती है और क्रिएटर के फैन और फॉलोअर्स में इजाफा करती है। लेकिन चंद दूसरी भी चीजें होती हैं जो वीडियो को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उसमें एक जिसे मैं सबसे ऊपर कैटेगरी में, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूं, वो है वीडियो की स्मूथनेस। यानी आपकी वीडियो, आपकी फुटेज, आपकी शूट जितनी स्मूथ होगी, जितनी स्टेबल होगी, उतना अच्छा है। अगर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा शेकी हो, फ्रेम इधर से उधर भाग रहे हो, बहुत ज्यादा हिलता जुलता मंजर हो, तो इससे व्यूअर डिस्टर्ब होता है और वो आपकी वीडियो पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाता है। मैं पहले एक ये छोटा ट्राइपॉड इस्तेमाल कर रहा था, इसका हैंडी और इसका साइज आप देख लें। यकीनन इसको अपने लेवल पे लाने के लिए मुख्तलिफ जुगाड़ें करनी पड़ती थी। तो उसके बाद मैंने एक नया ट्राईपॉड लिया है, वो ये। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आज की वीडियो में हम इस ट्राईपॉड को अनबॉक्स करेंगे, इसकी कीमत और उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि YouTube टिप्स से मुताल्लिक मेरी नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, इसको अनबॉक्स करने से पहले इसके डब्बे पे लिखी हुई थोड़ी सी तफसील पढ़ लेते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पर इसका जो फुल साइज है वो 1345 मिलीमीटर है, उसका फोल्डेड साइज 515 मिलीमीटर। ये निशान मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इसका टोटल वेट जो है वो 730 ग्राम। अच्छा, ये ट्राईपॉड 330A और इसकी मजीद कुछ डिटेल ये लिखी हुई है कि 3-way head, बेल्टन लेवल, 3/8 EC एल्युमिनियम लेग्स और क्विक लीवर लॉक। तो ये कुछ तफसील है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसे करते हैं ओपन। तो जनाब बिस्मिल्लाह, और इस डब्बे के अंदर और कुछ भी नहीं है, तो डब्बे को रखते हैं साइड पर। ये एक अदद पाउच है। और सबसे पहले ये जनाब अली एक मोबाइल होल्डर है, इसके अंदर एडजस्टेबल होता है, मोबाइल के साइज के लिहाज से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक चीज है और उसके बाद ये निकलता है जनाब अली ट्राईपॉड। मैंने इसको ऑनलाइन नहीं खरीदा बल्कि मोहल्ले की एक दुकान से खरीदा है। और इसकी कीमत में बता दूं, 1100 रुपए का ये मुझे मिला है। ये जनाब अली ये देखें, एक फोल्ड है इसका और ये दूसरा फोल्ड है, ये इसका लॉक है। ये जो हमें मोबाइल होल्डर इस पर मिला था वो यहाँ पर, ये एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर ये इसने फिट होना होता है। तो इसे अगर थोड़ा सा आप टाइट कर ले, अभी तो ये लूज़ है, तो ये आराम से टाइट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये अगर आप देखें तो ये एक हैंडल है। इस हैंडल के 2-3 फंक्शन हैं। पहला तो ये कि अगर इसका आप लूज़ कर लें तो कैमरे को ऊपर नीचे इससे आप कर सकते हैं, टिल्ट अप और टिल्ट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा और जो भी पोजीशन सेट करने के बाद अगर इसको टाइट कर दें तो ये यहाँ से फिट हो जाता है। फिर एक और नॉब यहाँ पर मौजूद है, ये किस काम का है? अच्छा, इसको जब आप लूज़ कर लेते हैं तो फिर इसी हैंडल की मदद से आप अपने कैमरे को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैनिंग शॉट बनाने के लिए ये ऑप्शन है, और फिर इसको आप अगर टाइट कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, ये इसका लीवर है। इसकी हाइट मज़ीद अप करने के लिए तो इसको अगर यूँ करके घुमाएं तो ये इसकी हाइट ऐसे ऊपर होती है, और जिस पोजीशन पे भी हम इसको लेकर चले जाएं और जहाँ पर हमें फिक्स करना हो तो ये इसके साथ ये वाला नॉब है, इसको आप टाइट कर दें तो ये फिर एडजस्ट हो जाता है।
इसके अलावा अगर आप देखें कि यहाँ पर एक वाटर लेवल है, ये जो ग्रीन कलर का है ये वाटर लेवल है, ये बताता है इसमें बबल के आपका लेवल ठीक है कि नहीं। इसके अलावा अगर इसकी फुल हाइट देखें तो ये इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। अगर आप खड़े होकर चाहें तो इस पर वीडियो शूट कर सकते हैं। अब आपके फेस की हाइट पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर थोड़े से डिस्टेंस से अगर आप इस पे शूट करना चाहें तो बआसानी शूट किया जा सकता है इससे। दोस्तों, मैं नए यूट्यूबर्स को कभी भी मशवरा नहीं देता कि इन्वेस्टमेंट करें उस वक्त तक जब तक आपकी आमदनी शुरू ना हो जाए। जब आपकी आमदनी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी तो आप अपनी वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अपने इक्विपमेंट पर, अपने जो लवाजमात हैं गियर्स पर, उस पर ज़रूर खर्चा करें। लेकिन छोटी सी एक ये इन्वेस्टमेंट है ट्राईपॉड की, इस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि आप 1000-1200 रुपये का ये खर्चा है उसे लाजमी कर लें, ये आपकी ही बेहतरी में है। लेकिन अगर इसकी भी इजाज़त आपकी जेब नहीं देती तो कोई मसला नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करें, कुछ ऐसा करें, कुछ घर की पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करें, कोई वाइपर का पुराना डंडा ले लें, उस पर कोई जुगाड़ बना लें, लेकिन अपनी इस वीडियो को स्मूथ करने का कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करें। आज की वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।